नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें मिला है, क्वेश्चन नंबर 18, ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें आपको दिया गया है इफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, थ्री लाइंस अपने को गिवन है, इससे एक ट्रायंगल बन रहा है और उसका सेंट्रोइड आपको गिवन है। तो हमने ये ट्रायंगल इसमें ड्रॉ कर लिया तीनों लाइंस को लेकर, इसके हेल्प से पेयर वाइज लाइंस लेके हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये तीनों वर्टिसेज अपने को मिल जाएंगे। जब ये तीनों वर्टिसेज मिल जाएंगे इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं पेयर वाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते हैं। तो सेंट्रोइड अपने को इसमें दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो सेंट्रोइड का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री। तो यहाँ पर अपने को मिलेगा ये 23 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 3, तो ये अपने को मिल जाएगा 34 49 अपॉन 15। सिमिलरली बीटा जो मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा अपने को 4 अपॉन 5 प्लस 8 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 3, तो ये अपने को मिलेगा 12 और 20 32 अपॉन 15। तो ये अल्फा बीटा अपने को मिल गया इसमें। अब अपने को इक्वेशन फॉर्म करना है हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा प्लस बीटा। तो इसके लिए हम सम फाइंड करेंगे, तो सम क्या मिलेगा अपने को, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। तो वी कैन राइट इट एज 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा आपको मिल जाएगा 49 अपॉन 15 प्लस 32 अपॉन 15। सिमिलरली प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तब अपने को इसका प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिल जाएगा यहाँ 2938 अपॉन 45। और ये दोनों वैल्यू फिर हम इसमें पुट कर देंगे। अपने पास जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये अपने को फर्स्ट इक्वेशन इसमें मिल जाएगा। तो इसका बार आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है तो आपको ऑप्शन 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर इसमें टोटल 18 क्वेश्चन मिले थे, उनका सॉल्यूशन हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। होप आशा है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।